डियर स्टूडेंट्स, यूज योर टाइम और लूज योर टाइम। घर पे बैठो, मोबाइल पे गेम खेलो, पबजी वगैरह खेलो, टाइम लूज करो। यूट्यूब पे जाओ, क्या पढ़ाया है ये देखो, उसको सीखो, समझो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पढ़ो, नोट्स निकालो। यूज द टाइम। तो क्या करना है ये आपके ऊपर है, टाइम का यूज करना है या टाइम को लूज करना है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है हमें, लास्ट पीरियड में हमने मेजर कंपाउंड्स पढ़ा, आज हमें पढ़ना है इपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, इरिथ्रो कंपाउंड्स क्या होता है और थ्रिवो कंपाउंड्स क्या होता है। इट इज ऑल रिलेटेड विद द स्टेरिबो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इपीमर्स किसे कहेंगे। इपीमर्स, इपीमर्स मतलब क्या? तो अगर आपको बायोमॉलिक्यूल्स पता है, बायोमॉलिक्यूल्स एक चैप्टर केमिस्ट्री में भी है, 12th क्लास के सिलेबस में है और बायोलॉजी में भी है बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इपीमर्स पढ़ने के पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और मैनोज का स्ट्रक्चर ज्ञात होना। ये पढ़ चुके हम 10th क्लास में कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब किसी ने नहीं सुना है गैलेक्टोज क्या होता है, तो गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला वही होता है C6H12O6। अब मैनोज क्या होता है, तो मैनोज का भी फॉर्मूला वही है C6H12O6। अब आपने कभी पढ़ा भी नहीं है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फिर भी डोंट वरी, एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। ये अगर आपने एक बार देखा तो आसानी से समझ पाएंगे, लिख पाएंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह से लिखना है। ये यहां पे भी पढ़ेंगे हम इपीमर्स पढ़ते समय, क्योंकि इपीमर्स मतलब क्या, ये अगर मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज द इपीमर, इपीमर मींस सच अ डायस्टेरियोआइसोमर्स विच हैव अ कॉन्फिगरेशन इज डिफरेंट एट ओनली वन कार्बन। जितने भी वो डायस्टेरियोमर में कार्बन है, उस डायस्टेरियो कार्बन में एक ही कार्बन पे कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होना, उसको हम इपीमर बोलते हैं। ज्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझना। अगर यहां पे समझ गया आप, यहां पे अगर ग्लूकोज स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं तो आप इपीमर्स आसानी से समझ पाएंगे, और बायोमॉलिक्यूल जो 12th क्लास का चैप्टर है वहीं पर भी ग्लूकोज स्ट्रक्चर आसानी से आप निकाल सकेंगे। मतलब वहीं पे अलग से पढ़ाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे पढ़ो, वहां भी कवर हो जाएगा। और बायोलॉजी में जो बायोमॉलिक्यूल्स है वहीं, उसमें भी जो ये पॉइंट है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, वो भी पॉइंट यहीं पर ही कवर होगा। मतलब तीन फायदे, इपीमर्स सीखना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखना 12th क्लास इन केमिस्ट्री, और बायोलॉजी में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखना। जैसे कि उसमें फिर अलग से है हवा स्ट्रक्चर है, फीचर प्रोजेक्शन है, जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हम ये आसानी से देखेंगे। तो इपीमर्स मतलब इपीमर्स का के पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आसानी से कोई भी आदमी, मतलब जो पढ़ा नहीं है या पढ़ता नहीं है, उसको भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आसानी से आएगा जब ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे। कौन सी ट्रिक है, CHO लिखा है यहाँ पे, एक सीधी लाइन खींचना है नीचे, CHO ऊपर लिखा, एक सीधी लाइन नीचे खींचा, नीचे सबके नीचे लिखना है CH2OH। क्या किया हमने, CHO सबके ऊपर लिखा, एक सीधी लाइन खींचे, सबसे नीचे CH2OH लिखा। ये वन नंबर है या सिक्स नंबर है, सिक्स कार्बन है, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सिक्स कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, मतलब 1 2 3 4, फोर लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचना है वर्टिकल लाइन को।
क्या किया, सी एच ओ ऊपर लिखा, वर्टिकल लाइन खींचा, फिर नीचे सी एच टू ओ एच लिखा, फिर उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दिया, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, अब तीन को छोड़ के थ्री जो पोजीशन है, थ्री पोजीशन ये क्या है, ये क्रॉस होता है, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो थर्ड कार्बन को छोड़ के सभी कार्बन को OH राइट हैंड साइड में लगाना है। समझ पा रहे हैं, थर्ड कार्बन को छोड़ के सभी OH, सभी कार्बन को OH राइट हैंड साइड में लगाना है। जैसे कि दो कार्बन, सेकंड कार्बन को OH राइट हैंड साइड में लगाया, फोर्थ कार्बन का OH राइट हैंड साइड में लिखा, फिफ्थ कार्बन का OH राइट हैंड साइड में लिखा, सिर्फ थर्ड कार्बन का OH लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो भी एम्प्टी पोजीशन दिख रही है आपको, वहां पे सब जगह लिखना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हमें गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं मैं कि ऊपर सबके ऊपर CHO लिखना है, एक वर्टिकल लाइन खींचना है, सबके नीचे CH2OH लिखना है, फिर 1, 2, 3, 4 लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचना है, फिर नंबरिंग देना है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। थर्ड कार्बन को छोड़ के बाकी सभी कार्बन को OH राइट हैंड साइड में लिखना है, OH OH OH, और थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जो एम्प्टी पोजीशन होती है सभी एम्प्टी पोजीशन हाइड्रोजन से फिलअप करना है बस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ग्लूकोज। अब हमें ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अब हमें क्या करना है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर निकालना है, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज निकालने के लिए वही करना है, ये लिखा CHO, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर नीचे CH2OH, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन। अब ये जो बड़ी वाली वर्टिकल लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस देंगे, ये टू पोजीशन, ये थ्री पोजीशन, ये फोर पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन। अब क्या करना है, थर्ड पोजीशन को छोड़ के, थर्ड पोजीशन को छोड़ के सभी OH, जैसे कि हमने ग्लूकोज में किया था, सभी OH राइट हैंड साइड में लिखना है, फिर जो तीसरा वाला कार्बन है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है आप सोचेंगे, तो अब हमें इसका फर्क बनाना है, क्या बनाना है, तो जो फोर्थ वाला OH है यहां पे जो राइट हैंड साइड में लिखा है, यहां पे भी राइट हैंड साइड में है, उसी फोर्थ OH को हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब जो भी क्या किया हमने, हमने क्या किया, जो ग्लूकोज में फोर्थ नंबर का OH राइट हैंड साइड में लिखा था, गैलेक्टोज में ये क्या है, ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में फोर्थ पोजीशन का OH राइट की बजाय लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। अब जो भी बचा है स्पेस वहां पे हमें हाइड्रोजन फिलअप करना है। तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला है, C6H12O6, दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये कार्बन और ये कार्बन मिरर इमेज है नहीं है, अगर ये मिरर इमेज होता, ध्यान से देखो कि अगर ये मिरर इमेज होता तो ये राइट हैंड साइड वाला OH लेफ्ट हैंड साइड में जाता, ये लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में आता, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये इनएनशियोमर नहीं है। हर एक कार्बन पे मिरर इमेज होता है, हर एक कार्बन का कॉन्फिग्रेशन अपोजिट होता है, तब हम उसको इनएनशियोमर कहते हैं। हम इनएनशियोमर पार्ट में ये पढ़ा है, मिरर इमेज नहीं होता है, वो डायस्टेरियोमर होता है, ये भी हमने डायस्टेरियोमर पार्ट में पढ़ा है। तो ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है, ये बात पक्की हो गई कि ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है, इनेंशियोमर नहीं है, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट, अब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया, मतलब ये स्टीरियो आइसोमर्स है,
मिरर इमेज नहीं है मतलब ये डायस्टेरियोमर है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जो स्टेरियो आइसोमर होते हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डायस्टेरियोमर है। तो ये दो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। दूसरी बात, दो नंबर का कार्बन, दो नंबर का कार्बन कॉन्फिग्रेशन सेम है, OHH OHH। तीन नंबर का कार्बन लेफ्ट हैंड साइड OH, यहां पे भी तीन नंबर का कार्बन लेफ्ट हैंड साइड OH, यहां पे चार नंबर का कार्बन लेफ्ट हैंड साइड OH, यहां पे चार नंबर का कार्बन राइट हैंड साइड OH, पांच नंबर का कार्बन OH राइट हैंड साइड, यहां पे भी पांच नंबर का कार्बन राइट हैंड साइड OH। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स, ओनली डिफर एट द फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन में ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो फोर्थ कार्बन का कॉन्फिगरेशन अपोजिट है, डिफरेंट है। इसी को हम इपीमर्स कहेंगे, सच अ स्टेरियो आइसोमर्स, सच अ डायस्टेरियोमर्स विच हैव अ डिफर इन कॉन्फिगरेशन ओनली एट द वन कार्बन। जितना भी कंपाउंड बड़ा हो, चाहे कंपाउंड में एक ही स्टेरियो सेंटर हो, चाहे कंपाउंड में एक से ज्यादा स्टेरियो सेंटर हो, कई सारे स्टेरियो सेंटर हो, ओनली डिफर एट द वन कार्बन एटम। कॉन्फिगरेशन एक ही कार्बन एटम के ऊपर या एक ही स्टेरियो सेंटर पे अगर कॉन्फिगरेशन या स्टेरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है तभी हम उसको इपीमर्स कहेंगे। तो क्या कहे, क्या यहां पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स ऑफ ईच अदर एट द C4 कार्बन। क्या कंक्लूजन है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स एट C4 कार्बन एटम, बाकी सब सेम है, बाकी सब स्ट्रक्चर सब कॉन्फिगरेशन सब कार्बन का कॉन्फिगरेशन सेम है, ओनली डिफरेंस ओनली एट दी C4 कार्बन एटम्स। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एक दूसरे के इपीमर्स है ओनली एट दी C4 कार्बन एटम। अगर दो जगह कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होता है तो उसको हम इपीमर्स नहीं कहेंगे। कॉन्फिगरेशन ओनली डिफर एट ओनली वन कार्बन एटम, कॉन्फिगरेशन इज डिफर ओनली एट दी वन कार्बन एटम इन द बोथ कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड एज द इपीमर्स। अब ग्लूकोज गैलेक्टोज का इपीमर है ये हमने देखा, अब ग्लूकोज मैनोज का इपीमर्स कैसा है ये हम देखेंगे। इसके साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि मैनोज का स्ट्रक्चर किस तरह से निकाला जाएगा। तो क्या करना है? बड़ा आसान है, CHO लिखना है सबके ऊपर, एक वर्टिकल लाइन लिखना है, सबसे नीचे लिखना है CH2OH, बस ऊपर हेड साइड CHO वर्टिकल लाइन, सबसे नीचे CH2OH। फिर क्या करना है? फॉर्मूला तो सेम है, तो ये वन और ये सिक्स पोजीशन, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फिफ्थ हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्लूकोज लिखते समय हमने क्या किया था? थर्ड नंबर के कार्बन को छोड़ के सभी OH राइट हैंड साइड में लिखा था। तो लिख के देखते हैं, बाद में मैनोज का स्ट्रक्चर निकालेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज निकालेंगे, यहां पे OH राइट हैंड साइड, थर्ड कार्बन छोड़ के OH राइट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, सेकंड, अब ये जो थर्ड वाला कार्बन है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था हमने। बाकी जो भी बचा है, जो भी पोजीशंस एम्प्टी है, वहां पे हाइड्रोजन लिखना है, बस ये ग्लूकोज हुआ। अब मैनोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है कि ये जो सेकंड वाला OH है वो आएगा मैनोज में लेफ्ट हैंड साइड और हाइड्रोजन आएगा राइट हैंड साइड। तो ये मैनोज है, ये ग्लूकोज है। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्लूकोज एंड मैनोज? बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, means both are the stereoisomers because it have the molecular formula is same. ये दोनों भी डायस्टेरियोआइसोमर्स है। क्यों डायस्टेरियोआइसोमर्स है? ये कार्बन देखो, ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, सेम है, OH लेफ्ट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन राइट, हाइड्रोजन राइट। तो ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज नहीं है लेकिन स्टेरियोआइसोमर्स है, मतलब ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। अब दूसरी बात, ये थर्ड वाला OH लेफ्ट लेफ्ट,
फोर्थ वाला ओएच राइट, फोर्थ वाला ओएच राइट, फिफ्थ वाला ओएच राइट, फिफ्थ वाला ओएच राइट। डिफरेंस कहां है, सेकंड वाले कार्बन पे है, यहां पे सेकंड वाला कार्बन का ओएच लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां पे सेकंड वाले कार्बन का ओएच राइट हैंड साइड में है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बाकी सभी कार्बन का सेकंड नंबर का कार्बन छोड़ के सभी कार्बन का कॉन्फिगरेशन सेम है। इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को कहेंगे हम इपीमर्स। तो कंक्लूजन इज दैट ग्लूकोज एंड मैनोज आर इपीमर्स एट द सी टू कार्बन, एट द सी टू कार्बन, ये सी टू दोनों कार्बन का कॉन्फिगरेशन, बाकी सब कार्बन पे कॉन्फिगरेशन दोनों ही स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के और मैनोज के सेम है। डिफरेंस है सिर्फ सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, तो इसको हम बोलेंगे इपीमर्स। तो क्या कंक्लूजन है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर द इपीमर्स ओनली एट द सी टू कार्बन। तो व्हाट इज द इपीमर, इपीमर आर द डायस्टेरियोमर्स आर द स्टेरियोआइसोमर्स विच हैव द ओनली कॉन्फिगरेशन इज डिफरेंट एट ओनली द वन कार्बन एटम, जिसका कॉन्फिगरेशन एक ही कार्बन पे डिफरेंट होता है उसको हम इपीमर्स बोलते हैं। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स एट द सी फोर कार्बन एंड ग्लूकोज एंड मैनोज आर द इपीमर्स ऑफ सी टू कार्बन। ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी इपीमर हो सकता है या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इपीमर दिखाता है।